नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लंपी वायरस के कारण मरती हुई गायों के बारे में। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की क्या भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री कार्यालय और नरेंद्र मोदी जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लंपी वायरस और गाय के संदर्भ में कितने ट्वीट किए गए, क्या कदम उठाए गए, इन सब बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं पुराने ट्वीट से। ये ट्वीट बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हुआ था। ट्वीट क्या था? गौ माता के दूध का कर्ज इस देश के लोग नहीं चुका सकते। गाय हमारी संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ट्वीट किया गया था सन 2019 में, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। चुनाव लड़ते वक्त गाय के बारे में बीजेपी ऐसा सोचती थी, नरेंद्र मोदी ये सब कहते थे। सत्ता मिलने के बाद क्या गाय के दूध का कर्ज चुक गया, या क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा अब गाय नहीं रही? क्यों लंपी वायरस के कारण मरती हुई गायों पर बीजेपी चुप है? ये सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल है आपका। बारह सितंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के अनुसार 67,000 से अधिक गायों की मौत जुलाई के बाद से लंपी वायरस के कारण हुई। देश के 8 राज्यों में इस वायरस का कहर बहुत अधिक है और दूसरे राज्यों में भी ये फैल रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। बीजेपी के राजस्थान यूनिट लगातार इस मामले पर गहलोत सरकार को घेर रही है, विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है, लेकिन शायद आंख, कान और दिमाग बंद करके। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 18 अगस्त तक केवल राजस्थान में लंपी वायरस के कारण 22,000 से अधिक गायों की मौत हुई और 18 अगस्त को ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि लंपी वायरस को महामारी घोषित कर दिया जाए। लेकिन शायद केंद्र सरकार चीतों की चिंता में गायों की चिंता नहीं कर पा रही। या तो ये भी हो सकता है कि चुनाव के वक्त तक के लिए गायों की मौत के मामले को स्थगित कर दिया गया हो। हमारे साथी नीलांजन तिवारी ने ट्विटर से एक जानकारी निकाली। 1 मई से लेकर 21 सितंबर तक बीजेपी और पीएमओ इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से गौ माता के लिए केवल 2 ट्वीट हुए और दोनों में से एक भी ट्वीट लंपी वायरस से जुड़ा हुआ नहीं था। नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 1 मई से लेकर 21 सितंबर के दरमियान गाय और लंपी वायरस से संबंधित एक भी ट्वीट नहीं किया गया, जबकि राजस्थान बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 1 मई से लेकर 21 सितंबर के बीच 14 ट्वीट गौ माता के संबंध में हुए। अहम सवाल उठता है कि क्या बीजेपी का गौ प्रेम चुनाव की तारीखों और सत्ता के स्टेटस पर निर्भर करता है? लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में लंपी वायरस जुलाई 2019 में आ गया। इस साल के जुलाई माह में इसने भयंकर रफ्तार पकड़ी, लेकिन अभी भी प्रभावी वैक्सीन के कमर्शियल लॉन्च में 3 से 4 महीने का समय लगेगा। हमने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान इस तरह की स्थिति को झेला था, लेकिन शायद सरकारों ने कुछ सीखा नहीं। तब इंसान मरे थे और अब गाय मर रही है, वो भी तब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जिसकी राजनीति के 4 स्तंभों में से एक अहम स्तंभ गाय है। लंपी वायरस किस तरीके से फैल रही है, इसके निदान के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, ये सब कुछ हम आपको बताते रहे। अब देखते रहिए पॉलिटिक्स। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर अपनी मौजूदगी, अपनी राय दर्ज कराएं। पॉलिटिक्स के साथ जुड़े। शुक्रिया।